हाय दोस्तों, मेरा जो और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। यह है मेरे पास एक मल्टीफंक्शनल टेस्टर जो कि एक बहुत फेमस टेस्टर है। इसे आपने बहुत बार देखा होगा। और एक मेरे पास जो टेस्टर है जो कि एक वायरलेस टेस्टर है, यह भी बहुत फेमस टेस्टर है और आपने इसे बहुत बार देखा होगा। मेरे पास और एक टेस्टर है जो कि एक डिजिटल टेस्टर है, यह भी एक बहुत फेमस टेस्टर है, आपने इसे भी बहुत बार देखा होगा। और जो रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं नियॉन लैम्प का, तो इस तरह का टेस्टर आपने देखा ही होगा। तो इन टेस्टर का हम आज वर्किंग देखने वाले हैं और इसके अंदर का सर्किट आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने लिया है एक नियॉन लैम्प का टेस्टर जो कि आपने पहले से हम इस्तेमाल करते हैं और आपने भी इसे इस्तेमाल किया होगा। तो इसका जो वर्किंग है आप देख सकते हैं, लाइन में ये इंडिकेटर देता है और न्यूट्रल में इंडिकेटर नहीं देता है। इस तरह से ये वर्क करता है और इसे हम स्क्रू लगाने में बहुत बार इसे इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारे पास जो डिजिटल टेस्टर है इसे हम आप चेक करके देखेंगे। जैसे आप इसे लाइन पर लगाएंगे तो देख सकते हैं इसे जो ऊपर टच पॉइंट दिया है, इसे आप टच करेंगे तो इसमें वोल्टेज आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से वोल्टेज दिखाई देता है, आप देख सकते हैं 35 से 12 होल्ट से 22 होल्ट एसी दिखाता है। तो इस तरह से वोल्टेज दिखाता है, लाइन में वोल्टेज दिखाएगा और न्यूट्रल में ये सिर्फ 12 होल्ट दिखाता है। इस तरह से वर्किंग करता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये वर्क करता है। आप इस टेस्टर को इस तरह से यूज कर सकते हैं। इससे आप डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है और जैसे आप इसके पॉइंट को टच करेंगे तो देख सकते हैं आप जो नीचे वाला टच पॉइंट है इसे आप सिर्फ वोल्टेज दिखाता है और ऊपर वाला पॉइंट है इसे आप टच करेंगे तो वोल्टेज दिखाता है और नीचे वाला पॉइंट है इसे आप सिर्फ वोल्टेज लाइन चालू है कि नहीं ये देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये वर्क करता है। जैसे आप पॉइंट टच करेंगे तो 12 होल्ट दिखाता है। आप इसे वायरलेस टेस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एक वायर का टुकड़ा लेके आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे आप पॉइंट पे लगाएंगे तो ये वोल्टेज शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये टेस्टर वर्क करता है। जैसे आप इसे लाइन पर लगाएंगे तो ये वोल्टेज दिखाई देगा और जैसे आप वायर के ऊपर से इसे घुमाएंगे तो ये कंटिन्यूटी भी आपको चेक करके दिखाता है। तो इस तरह से टेस्टर बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो इसे आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टेस्टर वर्क करता है। जैसे आप लाइन पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज इस तरह से शो करता है, 12 होल्ट से 22 होल्ट दिखाता है डिस्प्ले पे। और जैसे आप वायर के ऊपर से घुमाएंगे तो ये वायरलेस टेस्टर का भी काम करता है। तो इस तरह से आप इस टेस्टर से अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसके मैं बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप चाहे तो वहां विजिट कर सकते हैं। यह है एक दूसरा टेस्टर जो कि आप देख सकते हैं वायरलेस टेस्टर है और इसमें एक इंडिकेटर भी दिया है जिससे कि आप अंधेरे में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अभी सॉकेट में नहीं जा रहा है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे आप इसे वायर पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वायरलेस टेस्टर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप इसे बिना तार को निकाले भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये सॉकेट में नहीं बैठ रहा है, थोड़ा इसका आगे का पॉइंट बड़ा है इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं एक वायर का टुकड़ा लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल पे वर्क नहीं करता है, न्यूट्रल पे आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिखाई देगा और जैसे आप लाइन पे लगाएंगे तो ये बजर के साथ इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप इसे लगाएंगे तो आप इसे वायरलेस टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बटन पे लगाया तो ये लाइन को डिटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसे आप वायरलेस टेस्टर की तरह यूज कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया ये वर्क करता है। तो चाहे तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो मैं इसके बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं और चाहे तो इससे बाय कर सकते हैं। चौथा टेस्टर है, ये है एक मल्टीफंक्शनल टेस्टर। तो आप देख सकते हैं आप दोनों पॉइंट पे इसे लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर बन जाता है और जैसे आप इसे सॉकेट में लगाएंगे तो देख सकते हैं आप जैसे लाइन पे लगाएंगे तो ये ग्रीन और रेड एलईडी दोनों जल जाएंगे।
तो इस तरह से ये दोनों दिखाता है, और न्यूट्रल पे लगाएंगे तो ये ग्रीन लाइट लग ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये लाइन पर लगाएंगे तो रेड और ग्रीन दोनों एलईडी लग जाएंगे, और न्यूट्रल पर लगाने के बाद ये ग्रीन एलईडी जलती है। और जैसे आप वायरलेस के लिए इसे यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन एलईडी ऑन हो जाती है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये वायर कहीं कट हो गई है, तो इससे पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये वायरलेस टेस्टर का भी काम करता है। और जैसे आप इसे वायर पे लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी का भी टेस्टर बन जाता है। तो बहुत ही बढ़िया ये मल्टीफंक्शनल टेस्टर है, आप इसे यूज कर सकते हैं और बहुत सारे आपके काम आसान बना सकते हैं। तो इस तरह से ये टेस्टर है तो आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो मैंने आपको 4 टेस्टर दिखा दिए, मल्टीफंक्शनल, वायरलेस टेस्टर और डिजिटल टेस्टर और नियॉन टेस्टर। अब हम इस 4 टेस्टर के अंदर के सर्किट हम देखने वाले हैं, तो चले देखते हैं। तो मैंने पहले नियॉन टेस्टर ले लिया है, इसको खोलना बहुत ही आसान है। पीछे से स्क्रू निकालेंगे तो ये अंदर से बाहर सब निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक रजिस्टर और नियॉन लैम्प, सिर्फ दो ही चीजें इसमें आपको अंदर मिल जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है और ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, जल्दी खराब नहीं होता है, और ज्यादातर हम इसे स्क्रू लगाने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से ये टेस्टर है। अब हम लेंगे डिजिटल टेस्टर, इसको हम पीछे से इस तरह से खोल देंगे। यहाँ पीछे लॉक लगाया है, इसको लॉक निकाल के इसे खोलना पड़ता है। तो मैं फटाफट से इसे निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से खोल दिया है। अब हम इसका सर्किट बाहर निकालेंगे, तो सर्किट के लिए भी इसे लॉक लगाया हुआ है, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सर्किट है, और इस सर्किट में कोई बैटरी यूज नहीं की गई है, और देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ रजिस्टर लगाए हुए हैं, और एक रजिस्टर पे आपको वोल्टेज दिखाता है डिस्प्ले पे। और इसमें कुछ सर्किट इतना अलग नहीं है कि बहुत ही सिंपल सर्किट यूज किया हुआ है। तो फिर से हम इसे लगा लेंगे। तो जैसे आप इसे सर्किट को लगाएंगे फिर से और थोड़ा दबा देंगे तो ये अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये सर्किट है, बहुत ही सिंपल लेकिन ये बहुत ही बढ़िया सर्किट है। ये पुराना मॉडल है इसका, अभी जो दूसरा मॉडल है इसे आपको नियॉन इंडिकेटर भी इसके साथ मिल जाता है। तो इसे चाहे आप खरीदना हो तो मैं बाय लिंक दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते। ये है एक वायरलेस टेस्टर, इसको भी हम खोल लेंगे। तो इसको पीछे लॉक दिया हुआ है, तो जैसे आप लॉक दबाएंगे तो ये ऊपर का ढक्कन निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं AAA के 2 बैटरी इसमें यूज की है, और एक बजर है ऊपर। इस सर्किट को भी लॉक दिए हुए हैं साइड में, इसे भी हम पुश करके निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप सर्किट को साइड से थोड़ा उठा लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। तो देख सकते हैं आप इस तरह से सर्किट है, और आप इसमें देख सकते हैं कि एक आईसी लगा हुआ है, कुछ ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, पुश स्विच है, एक एलईडी है। तो बहुत ही बढ़िया सर्किट है आप देख सकते हैं, और एक बजर यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सर्किट है, इसे आप बहुत ही यूज के लिए बहुत ही बढ़िया सर्किट है। ये टेस्टर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। तो फिर से हम इसे लगा लेंगे। अगर आपको ये टेस्टर खरीदना है तो मैं आपको बाय लिंक दे रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक देख सकते हैं, और वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि ये टेस्टर आपको लेना हो तो। तो फिर से हम इसे लगा लेंगे और फिर से पुश कर लेंगे तो ये अपने लॉक हो जाएगा। अब जो ये मल्टीफंक्शनल टेस्टर है इसे भी हम खोल लेंगे, तो इसका भी स्क्रू निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक बैटरी है और एक सर्किट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रांजिस्टर यूज किए हुए हैं और एक रेजिस्टेंस, इसमें कुछ ज्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, और कंटिन्यूटी मल्टीफंक्शनल टेस्टर है। कंटिन्यूटी लाइन, बहुत सारे फंक्शन इसमें यूज होते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सर्किट है, इसे भी आपको खरीदना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी बाय लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो फिर से हम इसे लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये
चारों टेस्टर बहुत ही बढ़िया है और इनका बहुत ही बढ़िया अलग अलग काम है। तो आपको कौन सा टेस्टर पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।